हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट और बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट है, अच्छी बात है, क्योंकि आप इधर रजिस्ट्रेशन कर ही रहे हैं मेन वेबसाइट पर, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट पोर्टल स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे तो आपका रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जो एडमिशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी है। तो उसमें से जो कॉलेजेस की लिस्ट आप देखे होंगे यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था, दीज आर द कॉलेजेस। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं आपके, बेहतरीन कॉलेजेस, इलाहाबाद, आरकन्ना, सीएमपी, सीसी, हामिदिया वगैरह सब कॉलेजेस हैं। तो इसमें से जो वन ऑफ द बेस्ट ऑटोनमस कॉलेज है, संबद्ध तो इसका पूरी तरीके से अफिलेटेड है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका क्या है, ऑटोनमस कॉलेज है, जो पूरा आपका पढ़ाई का लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत ही बेहतरीन, आपको लगेगा एकदम कोई प्राइवेट कॉलेज है, इतना अच्छा व्यवस्था है सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसने अपना कॉलेज का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। ये अब कट ऑफ वगैरह जारी करेगा, जब इलाहाबाद की पहली कट ऑफ आ जाएगी उसी के साथ साथ ये भी अपनी कट ऑफ भी जारी कर देगा, ठीक है, उसी के पहले ही रहता। कभी कभी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस से ज़्यादा कट ऑफ चली जाती, क्योंकि इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है बच्चों की, ठीक है, एडमिशन लेने की। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह आप जाके कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं को ही अधिकार है, ऐसा नहीं सीधा डायरेक्ट वहीं पहुँच जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी आखिरी डेट क्या है, 28 तारीख है, वहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फिर उसी के रेफरेंस में यहाँ की जो प्रक्रिया होगी तभी मान्य होगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था। ECC कई सारे कोर्सेस हैं इसमें, उस समय हमारे समय में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करता था, आज भी है। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। तो आप जाके एडमिशन वगैरह यहाँ पे लेने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। बाकी ये कट ऑफ जब निकलेगी तो फिर जाके आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय का भी रजिस्ट्रेशन आप कर ही रहे हैं, तो वहाँ के भी जहाँ पे भी आप इच्छुक होंगे, इसका भी आपके पास एक बैकअप रहेगा, यहाँ का भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दीजिए। बाकी अपने कॉलेजेस भी धीरे धीरे, पहले तो मेन कैंपस आपका निकालेगा कट ऑफ, फिर उसके बाद कॉलेजेस आपके निकालेंगे, तो जहाँ पे जिस हिसाब से आपके मार्क्स वगैरह रहेंगे आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने मार्क्स वगैरह भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम भी बता दें कहाँ मिलने की संभावना आपकी बनेगी, ठीक है। बाकी कट ऑफ एनालिसिस का सेपरेट वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, एक इंटीग्रेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक साथ ही सारे कट ऑफ की वीडियो बना दूँ, ताकि आपको इधर उधर न ढूंढना पड़े। और अलग से भी BA BSc का मैंने बना दिया है, BLL BCom का भी बना दूंगा, नहीं सोच रहा हूँ एक साथ सारे कोर्सेज का ही कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और भी लोगों को पता चल जाए क्या रहने वाली है स्थिति। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।